सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग HDFC बैंक सेविंग अकाउंट वीडियो KYC के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे वीडियो KYC कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। सो लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो वीडियो KYC करने से पहले आपको HDFC बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करना होता है, जो कि घर बैठे ओपन होता है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। पहले जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए, उसके बाद फिर फर्दर यहाँ पे वीडियो KYC का प्रोसेस आप देख सकते हैं। सो वीडियो KYC करने के लिए आपके मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल ID में एक लिंक भेजा जाता है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। मेक श्योर करेंगे कि आपको वीडियो KYC जो है विद इन 3 डेज कर लेना है, मतलब जिस भी दिन अकाउंट आप ओपन करेंगे उस दिन से लेकर के 3 दिनों के अंदर आपको वीडियो KYC कर लेना है। और वीडियो KYC सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ही आप कर सकते हैं। तो जस्ट आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन नंबर ऑटोमेटिक फिलअप होगा और इसमें जो यहाँ पे कैप्चा लिखा हुआ है इसे सेम यहाँ पे फिलअप करके टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो कैप्चा मैंने फिलअप कर दिया, जस्ट प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन नंबर में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है। सो OTP मैंने फिलअप कर दिया, जस्ट यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसा आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन दिया है, मैं सिंपल से समझा दे रहा हूँ। आपको अपना फिजिकल पैन कार्ड का कॉपी अवेलेबल रखना है, उसके बाद आपको एक वाइट पेपर रखना है जिसमें आप जो है सिग्नेचर करेंगे, और आपके रूम का लाइट का कंडीशन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और आपके मोबाइल फ़ोन का जो नेटवर्क होना चाहिए वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। बस यही यहाँ पे बताया गया है। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, देन आपको यहाँ पे फिर कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसा आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग लिया जाता है और आपको यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। जहाँ पे बोला जा रहा है आपका सेटअप कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे, आप डिटेल्स यहाँ पे आएंगे, उसके बाद फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होता है। जैसा आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे कुछ परमिशंस आपको यहाँ पे अलाउ करना होगा, जैसे कि आपको कैमरा का परमिशन हो गया, उसके बाद लोकेशन परमिशन हो गया, और उसके बाद माइक का भी परमिशन आपको अलाउ करना होगा। तो जस्ट आप अलाउ नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे और सारे यहाँ पे परमिशंस को अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि आपका पैन कार्ड अवेलेबल है, तो यस यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बोला जाएगा आप ब्लैंक पेपर के साथ अवेलेबल है, उसके बाद आपको यहाँ पे यस करना है। देन आपके पास ब्लू एंड ब्लैक पेन अवेलेबल है तो जस्ट यहाँ पे यस कर देना है। देन फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है और आपके एजेंट के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। जी बोलिए। हिंदी हिंदी। जी जी। मोबाइल को अपने पास रख लीजिए सर। अभी अपना नाम बताइए। प्रेम शंकर प्रजापति। धन्यवाद सर नाम कंफर्म कराने के लिए। आशा करती हूँ सर आप और आपके परिवार में सभी ठीक होंगे। जी धन्यवाद सर। आशा करती हूँ सर आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी हैं। आपका ओरिजिनल पैन कार्ड, एक और कागज काला या नीला पेन। हाँ हाँ है। एक बार पैन कार्ड ऐसे दिखा दीजिए सर। ठीक है, बैक साइड पे दिखा दीजिए पैन कार्ड का। ठीक है धन्यवाद सर, रख लीजिए, बाद में फोटोग्राफ क्लिक करूंगी। बताना चाहूंगी सर ट्यूनिंग का कॉल अगर किसी नेटवर्क कनेक्शन की वजह से सर बीच में आपको काली स्क्रीन दिखाई देती है, हम दोबारा से ट्राई करेंगे रीकनेक्ट करने के लिए, बट किसी कारणवश हम रीकनेक्ट नहीं कर पाते हैं सर। तो आप हमें सेम लिंक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है 3 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ओके। देखना चाहूंगी सर कैमरा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, इस तरह हाथ लगे। धन्यवाद सर। सर मेरी बात ध्यान से सुनेगा, अभी मैं कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछने जा रही हूँ सर, जिसका जवाब सर सिर्फ आप देंगे, कोई भी थर्ड पर्सन बीच में नहीं बोलेगा, कहीं से पढ़ के आप आंसर नहीं करेंगे सर। जो डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल करी थी ना जब आप अकाउंट ओपन कर रहे थे सर, काइंडली वही डिटेल्स बताइएगा। ठीक है, ऐसा जो साथ में उन्हें बोलिएगा थोड़ी देर के लिए चुप रहिएगा, अदरवाइज मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ओके। अगर उनकी आवाज आती है बीच में या उन्हें बाहर भेज दीजिए सर, या आप बाहर आ जाइए, बिकॉज सर ऐसे KYC नहीं हो पाएगा। हाँ जी, अभी अपना नाम दोबारा से बताइए सर। प्रेम शंकर प्रजापति। धन्यवाद सर। किस शहर और राज्य से आज आप बात कर रहे हैं सर? रांची शहर झारखंड राज्य से। धन्यवाद सर। अपना पूरा मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट बता दीजिए सर। धन्यवाद सर। आपका ऑक्यूपेशन टाइप क्या है सर, आप क्या करते हैं? बिजनेस। धन्यवाद सर। आपका सालाना इनकम कितना है सर लाखों में? आपकी माता जी का नाम क्या है सर? लीलावती देवी। धन्यवाद सर। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है सर? 1/1/95। धन्यवाद सर। 1/1 पूरा बताइए सर। 1/1/1995। 1995। धन्यवाद सर। सर सामने देखिए, मुझे आपका फोटोग्राफ लेना है सर।
जी धन्यवाद सर। अभी सर आपने बैक कैमरा स्टार्ट करना है, बहुत ध्यान से मुझे फोटोग्राफ लेना है सर आपके पैन कार्ड का। ओके आपका सर पैन कार्ड नंबर कंफर्म कर रही हूँ सर, चेक करिएगा। अभी सर आपके पास जो कोरा कागज है ना सर, उस पर आपने साइन करने हैं। जब आप साइन करेंगे आपका हाथ दिखना चाहिए सर साइन करते वक्त। ऑलमोस्ट सर आपका सिग्नेचर भी मैच हो रहा है सर पैन के साथ, बट फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस एक साइन और कर दीजिए सर। एक पैन कार्ड को सामने रखिएगा, पैन कार्ड को अपने पास रखिएगा और देखिए पैन कार्ड पे आपने कैसा साइन किया है वैसा ही साइन करके बताइएगा। फोन को रोटेट मत करिएगा सर, अदरवाइज कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सर कंसेंट लेना चाहूंगी, जो पहला सिग्नेचर सर जो मैंने कैप्चर किया है, जो आपने पहला साइन किया है सर, उसे मैं बैंक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर रही हूँ फर्दर ट्रांजेक्शन के लिए। आप सहमत करते हैं सर इस बात से? जी धन्यवाद सर। इसी के साथ सर आपका केवाईसी जो है हमारे एंड पे कंप्लीट हो चुका है, बहुत जल्दी आपको फाइनल कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा okay. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे सर विद फाइनल स्टेटस, ठीक है सर? ओके हाँ जी सर, बाकी एक मिनट जिस लाइन पे रहेगा डिटेल्स को एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेती हूँ। कंग्रेचुलेशन सर, योर केवाईसी इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय एंड सर, शॉर्टली विल रिसीव द फाइनल कंफर्मेशन मैसेज सर, ठीक है सर? ओके आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं सर अभी। एचडीएफसी बैंक को चुनने के लिए शुक्रिया सर, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। सबका जैसे केवाईसी डन हो जाता है, थैंक यू लिख करके आ जाएगा, मतलब आपका केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो वीडियो केवाईसी करने के बाद आपका अकाउंट फुल्ली एक्टिवेटेड हो जाता है, अब आप एचडीएफसी बैंक के सारे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। और जैसे आप वीडियो केवाईसी करेंगे विद इन वन वीक के अंदर आपको वेलकम किट डिलीवर्ड किया जाएगा, जिसमें चेकबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, पासबुक डिलीवर्ड किया जाता है। तो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो बना रखा है अनबॉक्सिंग करके, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और देख लीजिए वेलकम किट में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है? तो आई होप सो आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।